सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 सर्कल। उसमें हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर सर्कल के सेंटर हो ये फिगर है, इसमें सर्कल क्या है विद सेंटर ओ और लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। ये जो कॉर्ड ए बी है इसकी लेंथ क्या है, इक्वल टू रेडियस। रेडियस कौन कौन सी है, ए ओ ए और ओ बी रेडियस। अब फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल ए ओ बी। हमको पहले एंगल ए ओ बी का मेजर होना, तो हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी। सबसे पहले ओ ए देखो और ओ बी क्या है, रेडियस है। सेम सर्कल की रेडियस क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, इक्वल होगी 4 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर होंगी। हम लोग रिजल्ट देंगे, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉर्ड ए बी is equal to radius, है ना। ये जो chord AB given दिया हुआ है, chord AB is equal to radius, ये हम लोग लिख लेंगे given, question में दिया हुआ है, chord AB equal to radius, radius क्या है, OA और OB, यानी कि ये और ये, ठीक है ना, तीनों क्या है, equal है, तो हम in general लिख सकते हैं, segment AB is congruent to segment OA is congruent to segment OB, है ना। अब ये कौन सा ट्रायंगल बना, जो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एओबी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजर क्या होता, तो एंगल हमें एंगल एओबी फाइंड करना है। तो वी नो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या रहते हैं, 60 डिग्री, ईच एंगल क्या रहता है, 60 डिग्री रहता है। तो एंगल AOB का मेजर क्या हो गया, 60 डिग्री। लेकिन हमको रीजन देना पड़ेगा, क्या देखेंगे हम, एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल AOB का मेजर कितना है, 60 डिग्री। नाउ कंसीडर सेकंड, हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी। अब वी नो दैट द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज हाफ द मेजर ऑफ, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। यानी कि ये जो एंगल का मेजर होगा ए सी बी, है ना, ये सेंटर पे कौन सा एंगल है, ए ओ बी, उसका क्या होगा, हाफ होगा एंगल ए ओ बी। लेकिन ए सी बी इज इक्वल टू, हमको पता है अभी निकाले हम लोग ने ए ओ बी का मेजर कितना है, 60, ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 30। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री। अब हम करेंगे थर्ड आर्क ए बी नो, आर्क ए बी की वैल्यू ना हमको, ठीक है ना, आर्क ए बी की वैल्यू क्या होगी, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए ओ बी, है ना, उसके सामने वाला एंगल, बाय रीजन देंगे, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, ठीक है ना। तो मेजर ऑफ आर्क ए बी ये कितना होगा, एंगल ए बी कितना है, 60 डिग्री। तो ये भी हो गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आर्क ए सी बी हमको निकालना है, ए सी बी, आर्क ए बी कितना है हमारा, 60 डिग्री आया। तो मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, है ना, ए बी और ए सी बी मिलकर क्या बना, पूरा सर्कल बना, और सर्कल का मेजर कितना होता, 360 डिग्री। ऐसे होंगे मेजर ऑफ सर्कल, रीजन दे देंगे, हर चीज के लिए रीजन होना, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, ठीक है ना। अब मेजर ऑफ आर्क ए बी हमने निकाले 60 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ आर्क
ACD is equal to क्या हो गया 360 degree. तो measure of arc ACB is equal to क्या हो गया 360 minus 60 degree. तो measure of arc ACB है ना, which is equal to 360 minus 60 minus 300 degree. ये हो गया हमारा final answer. Now consider question number 2. In figure, coordinator PQRS is a cyclic. Cyclic coordinator in the sense, a coordinator whose all vertices lies on the same circle is cyclic coordinator. इसके पूरे vertices क्या होते हैं? Same circle पे मिल रहे हैं, तो PQRS इसलिए क्या है? Cyclic coordinator. और उसमें भी दिया हुआ है side PQ is congruent to side RQ, है ना? ये PQ और RQ ये क्या है? Congruent है. और PSR PSR इसका मेजर कितना दिया हुआ है 110 डिग्री. फाइंड मेजर ऑफ एंगल PQR. PQR उसके सामने वाला है, अपोजिट एंगल है. तो वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री. तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्या है. इट इज गिवन दैट PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एज ऑन मी. तो एंगल PSR ये गिवन है प्लस एंगल PQR उसका अपोजिट एंगल PQR इज इक्वल टू क्या होता 180. हम लोग ने रीजन दे दिए अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, रीजन मस्ट है. अब एंगल PSR इट इज गिवन 110 डिग्री. तो इन प्लेस ऑफ PSR आई कैन राइट 110 डिग्री प्लस एंगल PQR एज इट इज जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू क्या हो गया 180. तो एंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 110 डिग्री. तो एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. Now consider second one. इसकी वैल्यू कितनी है 70 डिग्री है. अब मेजर ऑफ आर्क PQR ये PQR ये आर्क निकालना है ऐसा में. तो मेजर ऑफ एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR हम लोग लिख सकते हैं PQR बाय इंस्क्राइब्ड एंगल दे रहा है ना. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ठीक है ना. एंगल पी एस आर के सामने वाले आर क्या है पी क्यू आर में इंस्क्राइब करते. तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम में क्या होगा एंगल पी एस आर इज इंस्क्राइब बाय आर पी क्यू आर. तो जो एंगल का मेजर होता है वो हाफ ऑफ दैट आर्क. तो एंगल पी एस आर इसकी वैल्यू कितनी है 110 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर हमें फाइंड करना है. तो एज इट इज रखेंगे ये 2 इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू क्या होगा 110 इनटू 2. तो मेजर ऑफ आर्क PQR व्हिच इज इक्वल टू 220 ठीक है ना. मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या हो गया 220 है इसकी फाइनल वैल्यू. अब नाउ कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 3. मेजर ऑफ आर्क हमें क्यू आर निकालना है. ये मेजर ऑफ आर्क क्यू आर निकालना है. तो हम लोग लिख सकते हैं कॉर्ड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू आर क्योंकि ये गिवन है. देखिए गिवन कॉर्ड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू आर. तो देयरफॉर पी क्यू यानी कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो गया आर्क भी कॉन्ग्रुएंट है आर्क क्यू आर. रीजन दे देंगे आर्क करस्पॉन्डिंग टू आर्क corresponding to congruent congruent chords ठीक है ना. अगर chords equal है तो उसकी corresponding arc भी क्या होंगे congruent होंगे. तो let measure of arc PQ is equal to measure of arc QR. each के लिए हम लोग ने x लिए इसको भी x ले लिए और इसको भी क्या लेंगे x ले लिए है ना. तो मेजर ऑफ आर्क
PQ plus measure of arc QR is equal to, वो मिलके क्या बनेगी, measure of arc PQR, ये लिख दिए arc addition postulate, ठीक है ना। ये PQ और QR मिलके क्या बन रही, PQR, और PQR का मेजर हमने रिसेंटली निकाले सेकेंड क्वेश्चन में 220। तो ये PQ की है, हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे x प्लस QR की है, उसकी वैल्यू लिखेंगे x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 220, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 220 डिग्री, है ना। तो x क्या हो गया 220 अपॉन 2, ये कितना हो गया 110, तो x की वैल्यू कितनी है 110। तो मेजर ऑफ आर क्यू आर और मेजर ऑफ आर पी क्यू ईच क्या हो जाएंगे 110 हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या लिए थे हम लोग ने, x लिए थे, पी क्यू और क्यू आर ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो इसकी जगह लिखेंगे 110 डिग्री, हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर सब क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना, पी आर क्यू। अब देखो इसके सामने वाली आर कौन सी है, एक्स, इसकी वैल्यू हम लोग ने क्या निकाले, पी क्यू और क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर पी क्यू। रीजन क्या देंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल दे रहा है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है ना। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर पी क्यू की हम लोग ने कितनी निकाले अभी 110, उसकी वैल्यू लिखेंगे 110। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 से 10 कैरी 1, 2 5 से 10 कितना हो गया, ये 55 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 55 डिग्री। Now consider question number 3, quadrilateral MRPNS cyclic, cyclic quadrilateral in the sense जिसके पूरे वर्टेक्स से सर्कल पे मीट होती है, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस हम लोग ने इधर ड्रॉ कर लिए, एक सर्कल बना दिए और इसके अंदर क्या लिखे, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसमें एंगल आर दिया हुआ है, एंगल आर की वैल्यू कितनी दी है 5x - 13 डिग्री, ठीक है ना, और एंगल एन की वैल्यू दी है 4x + 4 डिग्री। तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम आर पी एन इज साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, गिवन है, क्या लिख दिया हम लोग ने, गिवन, इट इज गिवन दैट इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें पता है बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल आर का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल एन है, तो एंगल आर प्लस एंगल एन उसका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री है तो 180। एंगल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5x - 13 डिग्री और एंगल एन कितना है, उसकी वैल्यू दी है 4x + 4 डिग्री, उसका सम कितना है, सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x - 13 + 4x + 4 = 180 डिग्री, ये जो x वेरिएबल है इसको ऐड कर दिया, 5x + 4x कितना हो गया, 9x हो गया। अब ये -13 + 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा साइन बड़े नंबर का, 13 का माइनस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 9x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया 180 + 9, तो 9x कितना हो गया 189, तो x कितना हो गया 189/9, ये हो जाएगा 9 2s are 9 1s are, तो x की वैल्यू कितनी आई 21। अब x की वैल्यू आ गई तो हम लोग क्लियर एंगल r और एंगल n की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल r क्या था हमारा 5x - 13 डिग्री, तो ये 5 वैसा का वैसा, x की जगह उसकी वैल्यू कितनी थी, ये आ गया 21, ठीक है, -13 डिग्री, तो ये हो गया 21 × 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 105 हो गया -13 डिग्री, विच इज इक्वल टू, ये तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो आता है 92 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी 92 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल आर।
90 डिग्री। अब एंगल एन निकालेंगे, अब एंगल एन क्या निकालेंगे, 4x + 4 डिग्री। अब ये 4 एज इट इज x की जगह उसकी वैल्यू 21 + 4 डिग्री, ठीक है ना। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 88 डिग्री। एंगल एन की वैल्यू कितनी आई, 88 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आई, 88 डिग्री। हमें वही फाइंड करना था। अब हमारी वैल्यू सेम है, यानी सही वैल्यू है, ये आंसर हमको कंफर्म करना है, तो उसका प्लस कर देना इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि हमारी जो वैल्यू आई एंगल आर और एंगल एन वो क्या है, करेक्ट वैल्यू, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है ना, दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर सेगमेंट RS इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना, सेंटर O है और पॉइंट T लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। प्रूव दैट RTS, जो RTS सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, ये जो R2 को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना, और इसको S से ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये पॉइंट S है, ये हो गया पॉइंट S, ठीक है ना, और ये जो पॉइंट है इसको कोई नेम दे देंगे पॉइंट N। अब हम लिखेंगे प्रूफ में, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल RTS ये क्या अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल इन द सेंस क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री। अब ये प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, प्रूफ में लेट सेगमेंट, लेट सेगमेंट RT इंटरसेक्ट्स सर्कल एट पॉइंट N का पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे में ड्रॉ सेगमेंट MS, ये कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ सेगमेंट MS की हम लोग ने डॉटेड लाइन से ड्रॉ की। लेट सेगमेंट RT इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट M, है ना, ड्रॉ सेगमेंट MS, ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, ये क्या हो गया, सेमी सर्कल बना, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितने का रहता है, हाफ, यानी कि 180 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री। तो एंगल इंस्क्राइब्ड बाय इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, राइट एंगल इन द सेंस एंगल आर एम एस ये कितना होगा, इसका मेजर कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। एज हमने तो हम लोग लिख सकते सेगमेंट एस एम इस पर राइट एंगल है, लेकिन परपेंडिकुलर है, सेगमेंट एस एम इज परपेंडिकुलर टू साइड आर टी। एज हमने तो ट्रायंगल टी एम एस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, टी एम एस ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल टी एम एस उसका सम ये होगा टी एम एस ये वाला प्लस एंगल एम टी एस, एम टी एस ये वाला प्लस एंगल टी एस एम यानी ये वाला, उसका सम कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग रिजल्ट लिख दिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ये कितना हो गया 180। अभी टी एम एस कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना, टी एम एस हमने प्रूफ करे ना, आर एम एस यानी कि क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये हो गया एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री, तो दोनों में से दोनों एंगल क्या होंगे, सम 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल एम टी एस इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दैट इज एंगल एम टी एस को एक्सटेंड करें तो क्या हो गया, एंगल आर टी एस ये भी क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। हम लोग ने
क्या ने रीजन दी थी, आर एम टी, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है ना, इसलिए एम टी एस को एक्सटेंड किए तो क्या हो गया, आर एम एस हो गया, आर टी एस हो गया सॉरी। अब आर टी एस एंगल आर टी एस ये लेस देन 90 मतलब क्या है, ये अक्यूट एंगल है, इज एन अक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन हम लोग ने प्रूफ कर दिए कि ये क्या है, अक्यूट एंगल। तो आर टी एस ये क्या है, हमारा अक्यूट एंगल है विच इज लेस देन 90 डिग्री।